I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love to. हाय अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मेरा पेपर स्टार्ट है और मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आज मेरा चौथा पेपर है, वो इम्पोर्टेंट पेपर है। पूरा सिलेबस मैंने कंप्लीट किया, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन मैंने याद नहीं किए हैं। अब पता नहीं वो दो जब पेपर में आ जाए ना बहुत बुरा होगा। अपने लिए शॉर्ट रास्ता देख के यहाँ से आया हूँ और यहाँ किसी से आप देख सकते हो। अब मुझे लग रहा है ना मैंने ये जो पहना है ये पूरा ख़राब होगा। बंदा यहाँ से जाए, हाँ यहाँ से जाते बात ख़त्म। हिसाब था बराबर 10 मिनट ऑलरेडी ऊपर हो गए। व्हाट अ लेट बॉय। जो कहा था वही हो गया। पेपर ऑलरेडी स्टार्ट है, तेरे सांस निकालने को मिले। अच्छा पेपर के बाद मिलते हैं। अच्छा ये स्लोमो के लिए गए ना, ये कह रहा है स्लोमो बनाओ। इस तरह बहुत प्यारा आते हैं। नहीं नहीं सच में इस तरह प्यारा आते हैं। इस तरह एक बनाता हूँ मैं, उसको थोड़ा प्रैंक करता हूँ। इसके ऊपर ज़रा देखे आ जाओ। इस तरह स्लोमो बहुत प्यारा आता है। शबाश, कम कम कम, जल्दी जल्दी, थोड़ा और जल्दी, तेज 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 आ जा, तेज आ जा, तेज आ जा। अच्छा कैसा बना आज व्लॉग? बेड़ा गर्क वाला। अब बुलाता हूँ, जाओ दोबारा चला गया। छुपाओ अब, दोबारा छुपाओ। नहीं बनाना वो आगे से गिरा। बना रहा नहीं बना रहा, बना रहा आ जाओ। ज़िंदगी में ना जो वीडियोज़ और पिक्चर्स के जो शौकीन है, इससे बड़ा शौकीन कोई नहीं है। अच्छा आ जाओ बनाता हूँ, आ जाओ। कमन कमन बॉय, शबाश। अच्छा गाइस तो अभी हमारा पेपर हो चुका है और सबसे पहले मैं फारिग हूँ आज, फिर उसके बाद हादी होगी। और मैं सीन बताता हूँ, जो जो क्वेश्चन मैंने याद किया था वो जी जो क्वेश्चन मैंने याद किया था सच में वही वही पेपर के अंदर आए थे। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ज़िंदगी में पहली बार मेरा पेपर ठीक हुआ है। और उसके बाद इसका पेपर कैसा हुआ, हाँ मैं पेपर करके मैम को दे रहा था, मैम हमारी एग्जामिनर थी। उसके बाद जब मैं पेपर दे रहा था उसके बाद दूसरे बंदे की कॉल आई, मैम आई हैव डन। वो डन मैम, इधर आना आप, इधर आना। अच्छा तूने क्या डन किया उधर? यानी तू कुछ सोच, तुम्हारा आज पेपर ठीक हुआ है, ठीक है? मेरा रोज़ ठीक होता है, मैथ्स के अलावा मेरे सारे पेपर ठीक होते हैं। हाँ वो तो ठीक है, सही है, लेकिन तू कुछ सोच। ये सब्जेक्ट मैं लोगों को पढ़ाता हूँ टीचर के बाद। कौन सा? ये जो आज पोलिटिकल हिस्ट्री है, टीचर के बाद स्टूडेंट को मैं पढ़ाता हूँ। बस करो, मुझे पता है, मुझे मैंने पेपर मुझे पता है तेरे बारे में कि किस तरह क्या होगा तबाही। पहले कौन फारिग हुआ है, पहले किसने अटेम्प्ट किया पेपर? नहीं है यार, बाय द वे क्लास से पूछो। तू हिलता क्यों है, इधर आके बैठ जा। तू हिल ले, कौन सी बात है, हिलता कौन है। और ये हादी आगे जा रहा है, ये हमारा एक टीचर उसकी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। और इसको वो इसका बहुत फेवरेट टीचर है क्योंकि क्लास में सब ज़्यादा जो है इंसल्ट करता है ना वो इसी की करता है। इसको बताना नहीं, ये पर्सनल है, मैं आप लोगों के साथ पर्सनल शेयर कर रहा हूँ। सर को आज पता चल गया है ना, हाँ ये सारा कभी तो मेरे गाड़ी के पीछे आएगा। इस टाइप की गाड़ी है सर। नहीं, 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 ये तो बहुत अच्छी है। ये, ओ, नो, ये, मैं उसको जानता हूँ, वो गाड़ी मुझे शदीद कटारे किस्म की है, मैंने देखा है उसने। सर ने आरन देखे मुझे सलाम किया, इस वजह से आई हैव रिमेम्बर्ड दैट। देखिए इसके कपड़े। अंकल आ गए। अंकल बिल्कुल सख्ती से मना करते हैं जो कपड़ों में आते हैं अंदर। अंकल देखे जरा क्या कर रहे हो बेटा। ये कोटा नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। कोटा भी हमारा, ये भी हमारा है। हमारा नहीं है, यहाँ तो कानून चलता है और हम कानून पर चलने वाले हैं। तुम कानून तोड़ने वाला है, ये जुर्माना होता है ना कानून तोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ये क्या करेगा आज के बाद? ये बंदा नहीं आएगा जिम, मेरा हमारा ये कानून को तोड़ा। अंकल अंकल मेरी बात सुनाओ, जिम वो बंदा क्या बना रहे हो? जिम जिम कौन आते हैं? तुम पैसे निकालो पहले। कौन से पैसे कमाता रहता है इधर तो पैसे। हाँ इससे पैसे ले लो, बल्कि ये करोड़पति है, नहीं अरबपति है। ये इतना पति है कि तुम्हारी सोच
ये पत्ती है, चाय वाली पत्ती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये चाय वाली पत्ती है, इसको मैं जानता हूं, चाय वाली पत्ती की कोई वैल्यू नहीं है ना, चाय मैं इतना पीता हूं कसम खुदा कि इस ये वैल्यू मुझसे पूछो जानी है ना, तो मेरी वैल्यू है कि नहीं, बस इस चाय की तरह है ना, अब मेरी जो है कॉफी है, ऊपर छलांग मारो, आप ऊपर नीचे हो जाओ, ऐसे ऐसे थोड़ा बाहर रखा, ऐसे थोड़ा ऊपर, थोड़ा और ऊपर, दीवान एंड ओनली पर्सन मिस्टर अनीस खान, आप सब के तालियों में तशरीफ ला रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, आज अनीस भाई नहीं है तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहा हूँ, जब अनीस भाई आएगा तो मैं जिम करूँगा, उसका इंतज़ार में हूँ, लेकिन उसने मुझे कहा कि मैं नहीं आ सकता, और रात को मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जिम के, उसने मुझे कहा भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से आप ये काम गलत कर रहे हो, लिहाजा इसको ठीक करें, अनीस भाई ने मुझे ये बोला, अनीस भाई मैं आपका इंतज़ार में रहता हूँ, रोज़ इधर आएगा, आप नहीं आते तो फिर मुझे खुद जिम लगाना पड़ता है, तो प्लीज़ आई मिस यू, रोज़ आया करें, मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पर, ठीक, इसको बाहर भेजे, ये क्या कर रहा है, दिल खुश कर रहा है ये अपना, आप तो सबको मना कर इसको रहे हैं, है ना ऐसे ड्रेस में आना, ऐसे ड्रेस में मेरी तारीफ हो गई है, उधर देखे उधर उधर अंकल मेरा यार भी ना बहुत पागल है ना, पागल है इधर कितना है बाहर बारिश हो रही है, अंदर हमारा रेडियो चल रहा है और मैं बैठा हूँ गैस के पास और मुझे सर्दी लग रही है, तो जिम स्टार्ट करूँगा, ये इसके जो स्टील है ना, जिम के जो स्टील की चीज़ें इतनी ज़्यादा ठंडी होती है ना इस टाइम, तो हाथ बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए पहले मैं थोड़ा सा गर्म होता हूँ, और ये ऊपर बहुत शोर कर रहा है, बाहर जाके मिलता हूँ, उसके बाद व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं नए व्लॉग में, छोटे मोटे व्लॉग मिलते रहेंगे, आप लोगों को देखते रहना, इंजॉय करते रहना, और चैनल को सब्सक्राइब मर्जी है करते रहना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।